नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वास्तु में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपको अगर कर्जा आपके ऊपर है तो वो जल्दी से नहीं उतर रहा है, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ वास्तु उपाय भी है और कुछ जो है हम कुछ ऐसे देवता है उनके अगर प्रार्थना करते हैं तो हम वो प्रार्थना करने से हमें कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसा क्या है, कौन से देवता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके ऊपर अगर कर्जा है तो इसके लिए क्या वास्तु उपाय है ये हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, तो साउथ वेस्ट जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, पैसे के रिलेटेड है। यहाँ पर सभी चीज़ें जो है आपके फाइनेंस रिलेटेड होती है। दूसरा है साउथ ईस्ट पोर्शन, साउथ ईस्ट पोर्शन भी आपको प्रॉस्पेरिटी वेल्थ इसके रिलेटेड होता है। तो इसमें देखते हैं साउथ वेस्ट, अगर आपको पैसे के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको आपका साउथ वेस्ट चेक करना है। साउथ वेस्ट में या तो ग्राउंड लेवल कम हो सकती है, सबसे पहले ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल सेम है फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाकी कुछ ऐसे वास्तु दोष है जो आप करेक्ट नहीं कर सकते हो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आप साउथ वेस्ट का ग्राउंड लेवल बढ़ा दीजिए। इसको हाई करना है, यानी कि ऊंचा करना है एज कम्पेयर टू बाकी दिशाएं। साउथ वेस्ट और साउथ, ये जो है ये सबसे ऊंचा चाहिए घर में, साउथ वेस्ट सबसे हाई चाहिए। आपका अगर इधर बेडरूम है तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसका ग्राउंड लेवल सबसे हाई चाहिए और बाकी का नीचे चाहिए, ये आप कर सकते हो, इससे भी आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम होने लगेंगे। दूसरी बात ये है कि आपका जो कैश लॉकर है, कबर्ड है, वो आप चेक कीजिए कहीं वो साउथ फेसिंग तो नहीं है। अगर वो साउथ की तरफ उसका मुख है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्थ की वॉल को लगकर वो कबर्ड है और उसका मुख जो है वो साउथ में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उसका फेसिंग नॉर्थ रखना है आपको, साउथ वॉल को लग के वो रखना है और नॉर्थ फेसिंग, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका कबर्ड इस रीजन में आए ये ध्यान में रखिए। आप साउथ एक्सेस ड्रॉ कीजिए साउथ वेस्ट का, उसका आप रीजन देखिए और उसे रीजन में आपके कबर्ड को लीजिए जिसमें आप पैसे या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखते हो, ये सब चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट ग्राउंड लेवल हाई करना है और साउथ वेस्ट में आपका कबर्ड रखना है, ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी देवता है जो आप जिनकी प्रार्थना कर सकते हो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सबसे पहले है गणपति जी। गणपति जी का जो है, तो गणपति जी के अलग अलग स्वरूप है। सबसे पहले है संतान गणपति। अगर आपको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब चाइल्ड के रिलेटेड डिले हो रहा है, जल्दी से आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो संतान गणपति होता है। संतान गणपति का आपको फोटो, आपको इमेज मिलेगा, उस इमेज को आपको आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में आपका जो पूजा घर रहेगा उसके ऊपर स्थापित करना है, वो फोटो लगाना है और उसकी डेली पूजा करना है। वहाँ पर गणपति अथर्वशीर्ष, संकटनाशन स्तोत्र जो भी आपको आता है वो आपको बोलना है वहाँ पर। ये आप करने के बाद में आपकी जो मन में इच्छा है वो आपको बोल के दिखाना है गणपति जी को। ये गणपति जी का, समझो अपने संतान स्वरूप गणपति जी की आप पूजा कर रहे हो। तो अलग अलग गणपति जी के स्वरूप है, उसमें सबसे पहले जो मैंने बताया संतान गणपति है जो आपको चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करेगा। दूसरा है गणपति जी का स्वरूप विघ्नहर्ता, हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, ये गणपति जी का नाम है। विघ्नहर्ता मतलब जो भी विघ्न, जो भी संकट आपके ऊपर आने वाले हैं, वो फाइनेंशियल रहेंगे या फिर कुछ और भी रहेंगे, आपके जॉब के रिलेटेड कुछ भी संकट हो, ये है विघ्नहर्ता गणपति जी। इनका फोटो आप लाकर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपके पूजा घर के वहाँ पर आप वो फोटो लगाइए। जैसा मैंने कहा है कि गणपति अथर्वशीर्ष या संकटनाशन स्तोत्र आप बोल सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, गणपति अथर्वशीर्ष, या तो आप रोज़ वो वीडियो
लगा सकते हो, मतलब उसको रिपीटेशन आप कर सकते हो वहाँ पर। तो वो भी मैं वीडियो मेरे चैनल पर डालूंगा। तो विघ्नहर्ता गणपति के सामने आपको प्रार्थना करनी है, इसके बाद में आपको आपके मन की जो कामना है वो भी उनको बोलकर दिखानी है कि आपके मन में आपके ऊपर क्या विघ्न आ रहे हैं, या फिर आपका जो घर है, आपके घर के लोग हैं, इनके ऊपर अगर कुछ संकट आ रहा है तो उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद में है धनदायक गणपति। धनदायक, ये गणपति जी के अलग अलग स्वरूप है। ये मैं कर्ज के वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द जो गणपति जी के स्वरूप है उसमें आपको धन मिलेगा, आपके ऊपर के विघ्न जाएंगे। तो आपको किस चीज़ के लिए कौन सा फोटो आप प्रार्थना कर सकते हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये इंक्लूड किया है। तो धनदायक सॉरी, तो धनदायक गणपति जी जो है, आप अगर इनका फोटो लाते हो तो ये सेम नॉर्थ ईस्ट में आपको लगाना है यहाँ पर प्रार्थना, या फिर आपका पूजा घर जहाँ पर भी रहेगा आप वो फोटो लगाइए और उनकी प्रार्थना कीजिए। सेम आपको गणपति चतुर्थी का संकट नाशन स्तोत्र लगाना है और वो लगा कर आपको प्रार्थना करना है। तो धनदायक गणपति जी जो है, इनसे प्रार्थना करना है आपको कि आपको जो है खर्चे जो आपके हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको धन के संकट से बाहर निकालना है। आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, जो भी है, इसमें आपको अच्छा खासा फायदा मिले, अच्छा प्रमोशन हो, इसके लिए आपको ये धनदायक गणपति जी की प्रार्थना करना है। धनदायक गणपति जी की प्रार्थना करने के बाद में आपको जो है अगला स्वरूप गणपति जी का ऋणमोचन गणपति। ऋणमोचन, ये ऋणमोचन गणपति जी का जो स्वरूप है इसका एक अलग स्तोत्र आता है, ऋणमोचन गणपति स्तोत्र। मैं वो गणपति ऋणमोचन गणपति स्तोत्र का वीडियो भी मेरे चैनल पर डालूंगा, तो आप वो भी लगा सकते हो अगर आपको ऋणमोचन गणपति जी की प्रार्थना करना है। ऋण मतलब लोन, लोन किसी के कर्ज में से मुक्त होना, तो कर्ज मुक्ति के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है ऋणमोचन गणपति जी की प्रार्थना आराधना करना। आप ऋणमोचन गणपति जी का फोटो लाइए, वो भी आपके पूजा घर में लगाइए, इनमें से कोई एक ही फोटो लाइए, आप सब फोटो मत लगाइए, एक ही देवता के ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए पूजा घर में। तो आप एक किसी भी एक गणपति जी का आपके पर्पज के हिसाब से फोटो लाइए। ऋणमोचन गणपति जी का अगर आप लाते हो फोटो लगाइए सामने, गणपति अथर्व शीर्ष संकट नाशन स्त्रोत्र या ऋणमोचन स्त्रोत्र आप बोल सकते हो और इनसे प्रार्थना कर सकते हो कि आपके जो भी कर्जे हैं वो जल्दी से उतर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। ऋणमोचन स्तोत्र का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, अगर आप कर्जे में डूबे हो, जल्दी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो उसके बारे में ये बहुत जल्दी आपको लाभदायक है ऋणमोचन स्तोत्र। उसके बाद में है आपके अगर शादी में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो विवाह के रिलेटेड है विवाह विनायक। विवाह विनायक जो गणपति जी का स्वरूप है वो आपको शादी के प्रॉब्लम में से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो दूर करने में वो मदद करेगा। तो आपको ये फोटो आपके पूजा घर में लगाना है, पूजा घर में लगाकर आप इनकी प्रार्थना कर सकते हो जैसे मैंने स्तोत्र बताए हैं, या फिर मेरे चैनल पे जो वीडियो है स्तोत्र के वो भी आप लगा सकते हो और वो लगाकर आप आपके मन की इच्छा वहाँ पर बोल सकते हो। बाद में है रोगनाशक गणपति। रोगनाशक, अभी ये रोगनाशक गणपति जी जो है, अगर घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, आपका पैसा बहुत जा रहा है बीमारियों में, तो आप रोगनाशक गणपति स्तोत्र वहाँ पर बोलिए, गणपति जी का फोटो लगाकर रोगनाशक गणपति जी के आपको प्रार्थना करना है और उनसे बोलना है कि जो भी आपके मन की इच्छा है कि इन बीमारियों से हमें बाहर निकाले। तो ये आप रोगनाशक गणपति जी को आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। बाद में है सिद्धिनायक गणपति। सिद्धिविनायक गणपति जो है आपके जो भी कार्य हैं, तो इस कार्यों में आपको सक्सेस मिलने के लिए, अब ये सिद्धिविनायक गणपति जी, कार्य में सिद्धि मिलने के लिए सिद्धि विनायक गणपति जी की हम प्रार्थना करते हैं। गणपति जी का फोटो पूजा घर में लगाकर
आपको गणपति अथर्वशीर्ष या संकटनाशन स्तोत्र बोलना है और उनसे प्रार्थना करना है। ये फोटो आपको फोटो की दुकान पर मिल जाएंगे, जो भी फोटो आपको चाहिए, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। तो आपको कर्जे से बाहर निकालने के लिए या तो विघ्नहर्ता या धनदायक या ऋणमोचन या सिद्धि विनायक, इनमें से आप मोस्टली ऋणमोचन गणपति की कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल आपकी इच्छाएं ज़्यादा है उसके लिए आपको करना है, तो आप धनदायक या विघ्नहर्ता इनमें से किसी भी गणपति स्वरूप की आप प्रार्थना कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर लोन के रिलेटेड है तो आप ऋणमोचक गणपति जी की प्रार्थना कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले साउथ वेस्ट का ग्राउंड लेवल ऊपर जाइए, अगर सेम है तो अच्छा है, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इसको ग्राउंड लेवल आप ऊँचा कीजिए। आपका कबर्ड का लोकेशन देखिए, आप गणपति जी की प्रार्थना करिए। गणपति जी जो है वो हमको किसी भी संकट में से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कर्ज में आप ज़्यादा आपके ऊपर लोन है, कर्जे है उतारना है, तो उसके लिए आप ये ट्राई कीजिए। आपको ऋणमोचन गणपति जी और ये जो साउथ वेस्ट का मैंने बोला है, इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।